सो ये व्हाट्सअप गाइस, आज की स्टूडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग डेटा विद लॉकर चैलेंज लैब का। सो यहाँ से मैं पासवर्ड को कॉपी करूंगा, कॉन्सोल को जो है इनकॉग्निटो में ओपन कर लूंगा, पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड को पेस्ट करूंगा, अगेन बैक आऊंगा, यहाँ से जो है यूजर नेम को कॉपी करूंगा, अगेन बैक आऊंगा, इधर आके जो है पेस्ट करूंगा, लॉग इन पे क्लिक कर दूंगा। सो ये ओपन हो चुका है, सो ये लोड हो चुका है, इधर एक्सप्लोर पे हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ से जो है हमें एयरपोर्ट पे क्लिक कर देना है, देन अगेन हमें जो है बैक आना है। तो ये मैं बैक आ चुका हूँ, टास्क वन पे क्लिक करेंगे, सो हमें जो है यहाँ पे सिटी को कॉपी कर लेना है, देन इधर आएंगे, इधर आने के बाद जो है इसको पेस्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे, ये मैंने क्लिक कर दिया है, एंड अगेन बैक जाएंगे, देन स्टेट को यहाँ से कॉपी करेंगे, देन अगेन जो है बैक जाएंगे, देन इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन स्टेट पे क्लिक कर देना, देन देखो ये यहाँ पे आ चुका है, अगेन बैक जाएंगे, अगेन जो है हम ये काउंट पे कॉपी करेंगे एंड अगेन जो है बैक आएंगे, इसको यहाँ पे जो है पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ से जो है काउंट को क्लिक कर देंगे। ये हमारा काम डन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अगेन बैक जाना है, तो हमें जो है रो को 9 करना है, तो इसको कॉपी कर लो, ये मैंने कॉपी कर लिया, अगेन बैक आएंगे, इसकी जगह पे हमें पेस्ट करना है एंड ये मैंने पेस्ट कर दिया, अगेन जो है हम बैक आएंगे एंड हमें जो है इसको कॉपी कर लेना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, हमें एयरपोर्ट काउंट को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो इधर आ गए, इधर आने के बाद जो है मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ एंड देखो ये एरो पे क्लिक करा, सो जैसे ही डाउन एरो आ जाए मतलब डिसेंडिंग है, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है, अगेन मैं जूम आउट कर देता हूँ, अगेन बैक आऊँगा, हमें जो ये फैसिलिटी को कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया है, अगेन जो है हम बैक आ जाएंगे, देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे इन तीन लाइनों पर फिल्टर के, ठीक है, इधर आपको आपको क्या करना है, सो इधर आके आपको एच ई एल लिखना है, देन आपको ऐसे क्लिक कर देना, ऐसा आ जाएगा, तो रिडन हो गया, अगेन रन पे क्लिक कर देना, सो या एंड विजुअलाइजेशन पे क्लिक कर देंगे एंड या ये हमारा डन हो गया, इसको हम जो है टेबल पे क्लिक कर देंगे। सो ये मैंने टेबल पे क्लिक कर दिया, इसे लोड हो जाने दो कम्प्लीटली, सो ये देखो ये डन हो चुका है, अगेन जो है हमें बैक आना है एंड आपको कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया इधर आकर एंड अगेन जो है इधर आ जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, इधर सेव पे जाएंगे, एज ए लुक पे क्लिक करना एंड यहाँ पे जो है टाइटल की जगह पे इसको पेस्ट कर देना एंड ऐड पे क्लिक कर देना, सो ये हमारा काम डन हो जाएगा। बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे लुक टू पे इधर से काउंट को कॉपी कर लेना, अगेन जो है अब आप इधर आ जाना, ये मैं इधर आ चुका हूँ, देन इधर राइट क्लिक करना, सॉरी ये मैंने राइट क्लिक करा, एक न्यू विंडो पे ओपन कर लेना इसको, देन पहले वाले को क्रॉस कर देना, देन अगेन एक्सप्लोर पे जाना, देन इधर से आप जो है एयरपोर्ट पे क्लिक कर देना एंड इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेना, ठीक है, मतलब राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक कर देना। सो हमारा एक वो लॉकर ओपन हो चुका है, सो इधर हम जो इसको पेस्ट कर देंगे, इसको हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो देखो इधर आ गया, अब हम अगेन बैक आएंगे, इधर स्टेट को कॉपी करेंगे एंड ये हम जो है बैक आ गए, इसको यहाँ पे जो है मैंने पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे जो इस पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा काम डन हो चुका है, अगेन बैक आएंगे एंड हमें जो रिजल्ट की लिमिट को 9 सेट करना है, ठीक है, उससे पहले सो हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद बैक आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन इस पर क्लिक कर देना, तो ये हमारा काम हो गया, अगेन बैक आएंगे, देन इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, ये मैंने 9 को कॉपी कर लिया, ठीक है, एंड अगेन जो है हम बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद अगेन ये जो रो लिमिट है ना इसको पेस्ट कर देना इधर, देन इसको जो है मैं जूम इन कर देता हूँ, इसके एरो पे क्लिक करना एंड डिसेंडिंग पे आ जाएगा, एरो डाउन हो गया तो मतलब, ठीक है, उसके बाद जो है हम बैक आ जाएंगे एंड हमें जो है इसको पाइवट करना है, ठीक है, हम इधर आ जाएंगे एंड अपना माउस जो है जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इधर पाइवट का ऑप्शन हमें दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा, एंड अगेन जो ये एरो दिख रहा है इसको नीचे की तरफ लेके आना, मतलब ऐसा जब ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा ना तब आपको जो है कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो ये देख लो ऐसे कुछ साइन बनना चाहिए एंड अब हम जो है बैक आएंगे एंड इस वाली चीज़ को कॉपी कर लेंगे पूरा यहाँ तक, फुल स्टॉप कॉपी नहीं करना है आपको, ठीक है, यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया है, मैं बैक आ गया हूँ, इधर आके आपको सबसे पहले रन पे क्लिक करना है, देन विजुअलाइजेशन पे क्लिक करना है एंड इधर आपको टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सो ये डन हो चुका है, क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, देन इधर आपको सेव एज ए लुक पे क्लिक कर देना है, तो सेव पे क्लिक करके एज ए लुक पे क्लिक करना है, इसको जो है हमने कॉपी करा था पेस्ट करना एंड देन सेव पे क्लिक कर देना, सो ये हमारा काम डन हो गया, अगेन जो है हम इसको जो है क्रॉस कर देंगे एंड अगेन इस वाली विंडो पे आ जाएंगे, सो अगेन जो हम इस पर राइट क्लिक करना फ्लाइट पे एंड इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेना, ठीक है, तो अब हम इधर आ जाते हैं फ्लाइट के नए वाले टैब पे, इधर आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड हमें क्या करना है, ओरिजिन सिटी को कॉपी कर लेना है, तो ये जो है मैंने कॉपी कर लिया सिटी को
ठीक है, एयरक्राफ्ट सिटी को, एंड चलो पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं जो है इसको इधर आता हूँ एंड इसको यहाँ पे आके जो है सर्च बार में पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो इधर आ गया सिटी, सिटी पे क्लिक कर देना, ये हमारा काम डन हो गया है। अगेन बैक आएंगे, इधर से आपको जो है ओरिजिन स्टेट को कॉपी कर लेना है, तो सॉरी स्टेट को कॉपी कर लेना है, ये मैं इधर आ जाता हूँ एंड स्टेट को इधर पेस्ट कर देता हूँ। एंड इधर से जो है आपको एयरक्राफ्ट ओरिजिन के स्टेट को, थर्ड वाले को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगेन जो है बैक आ जाएंगे, सो इधर से आपको ये कैंसल्ड को कॉपी करना है एंड अगेन हम इधर आ जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना एंड इधर से जो है आपको ये इसको चूज कर लेना है, ये मैंने क्लिक कर दिया। अगेन हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद जो है हम ये काउंट को कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अगेन हम बैक आ जाएंगे, इसको यहाँ पे जो है हमें पेस्ट कर देना है, सो ये मैंने पेस्ट कर दिया। नीचे स्क्रॉल करेंगे सबसे ज़्यादा एंड ये फ्लाइट के अंदर काउंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये हमारा काम भी डन हो गया है। अगेन बैक आएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे, ठीक है, कर लिया। बैक आएंगे, देन इस क्रॉस पे क्लिक करना, देन इधर ऐड पे क्लिक करना एंड यहाँ से टेबल कैलकुलेशन पे आपको क्लिक कर देना है। देन अगेन आपको बैक आना है एंड यहाँ से इस कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने कॉपी कर लिया। इधर आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। अगेन बैक आना एंड ये जो ऊपर परसेंट ऑफ फ्लाइट कैंसिल लिखा ना, इसको कॉपी कर लेना एंड अगेन जो है हम बैक आ जाएंगे। एंड बैक आने के बाद जो है स्क्रीन जो इसकी नीम की जगह पे आपको इसको पेस्ट कर देना है एंड ये हमारा काम डन हो गया है। फॉर्मेटिंग में परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है, तो ये जो नीचे परसेंट लिखा है ना, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको 3 पे क्लिक कर देना, ठीक है, एंड देन सेव पे क्लिक कर देना। तो ये हमारा काम डन हो गया है। तो अभी इधर जूम इन करता हूँ मैं एंड ये जो फ्लाइट काउंट है ना, इसके सेटिंग्स पे क्लिक करना, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना, तो देखो ऊपर ऑटोमेटिकली एक कॉलम आ जाएगा ये वाला, देन इस पे क्लिक करना एंड इसको इज ग्रेटर देन है ना, इसको सिलेक्ट कर लेना एंड इधर जो है आपको 10,000 लिखना है, ठीक है, 10,000 ये मैंने लिख दिया है एंड मेक श्योर आपने 4 0 लगाए हो, ठीक है। ये हमारा काम डन हो गया है। सो इधर परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना एंड इसके एरो पे क्लिक करना, तो देखो ये डिसेंडिंग में एरो डाउन हो गया है परसेंटेज फ्लाइट कैंसिल पे, देन रन पे क्लिक कर देना, देन इधर टेबल को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने टेबल को क्लिक कर दिया है, हमारा डेटा जो है ये आ चुका है। इसके जो है गियर बॉक्स पे क्लिक करना एंड देखो इधर हाइट फ्रॉम विजुअलाइजेशन है, देन इसकी गियर बॉक्स पे क्लिक करना, देन इस पे क्लिक कर देना हाइट फ्रॉम विजुअलाइजेशन, ठीक है। सो ये हमारा काम जो है वो डन हो गया है। तो आपका भी कुछ ऐसा दिख रहा है, देन इसको कॉपी कर लेना बैक आकर एंड अगेन जो है हम इधर आ जाएंगे एंड इसको जो है सेटिंग्स पे क्लिक कर देना, देन सेव पे क्लिक करना, देन एज ए लुक पे क्लिक कर देना एंड देन टाइटल की जगह पे पेस्ट कर देना एंड देन सेव पे क्लिक कर देना। सो ये हमारा काम थर्ड वाले भी डन हो चुका है, मतलब हमने थर्ड लुक भी क्रिएट कर लिया है। इसको क्रॉस पे क्लिक कर देना, अगेन बैक आना, मैं जो है लुक 4 को क्रिएट करना है, तो फ्लाइट वाले क्रिएट करेंगे, तो इधर से मैं जो है ओरिजिन को कॉपी कर लेता हूँ, इधर आऊंगा, देन इधर जो है राइट क्लिक करूंगा एंड एक और नया टैब फ्लाइट का ओपन कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया है, सो ये जो है ओपन हो चुका है। इधर आपको जो इसको पेस्ट कर देना है, देन इधर से आपको जो ये जो फ्लाइट्स में दिख रहा है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, इस पर क्लिक कर देना है। बैक आएंगे, देन इधर आके ऐड पे क्लिक करना गाइस एंड कस्टम मेजर्स पे क्लिक करना एंड अगेन बैक आ जाना। एक बार मैं और कॉपी कर लेता हूँ इसको, सो ये एवरेज डिस्टेंस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, सो इसको जो है सिलेक्ट व्हील के ऊपर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आपको इसको रिमूव करना है माइल्स को, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया, तो देखो ये आ गया है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। देन मेजर्स, न्यू मेजर्स पे आपको क्या लिखना है, तो इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देना एंड ये मैंने पेस्ट कर दिया है, देन सेव पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा काम डन हो गया है। अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, सो देखो ग्रेटर देन 0 हमें डिस्टेंस माइल करनी है, तो हमें क्या करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे इधर, देन इधर फिल्टर पे क्लिक करना, देन इस इधर आके जो है आपको 0 लिखना है, तो ये मैंने 0 लिख दिया, देन इस पे क्लिक करेंगे एंड इस ग्रेटर देन पे क्लिक कर देना, ठीक है। सो ये हमारा काम डन हो गया है। अगेन बैक आएंगे, देन हमें जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। सो मैं इधर आ जाता हूँ, इधर आने के बाद जो है मैं इधर आऊंगा एंड इस एरो पे क्लिक करूंगा एंड अगेन ये ऊपर हो गया, यानी असेंडिंग हो गया। अगेन जो है मैं जूम आउट कर लेता हूँ, सो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगेन इधर आएंगे, हमें जो है रो की लिमिट 8 सेट करनी है, जिसको कॉपी कर लेता हूँ। अगेन इधर आएंगे एंड इधर रो लिमिट की जगह पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो ये हमारा काम हो गया इधर डन। अगेन जो है आपको रन पे क्लिक कर देना है, देन विजुअलाइजेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन टेबल पे क्लिक कर देना है। सो ये हमारा काम डन हो गया है। तीन जो है हम बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद जो है हमें इसको कॉपी कर लेना है, सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड अगेन जो है मैं इधर आऊँगा एंड सेटिंग्स पे जाऊँगा, देन सेव पे क्लिक करूँगा एंड इसको इस पे क्लिक कर दूंगा, देन इसको पेस्ट कर देना इधर एंड देन सेव पे क्लिक कर देना। सो ये हमारा काम डन हो गया है। अगेन इधर आएंगे, चेक मैं प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे, टास्क जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा।
एंड अगर आपको कोई भी एरर आता है इस टास्क में, यानी आपने ऊपर कुछ मिस्टेक करी, तो आप वाली लेवल को वापस करना पड़ेगी, ठीक है। देन टास्क टू पे चलते हैं हम आपको, जो है मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। देन इस पे जो है मैं राइट आके फ्लाइट पे क्लिक करता हूँ राइट, एंड इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। देन ये जो है मैं बैक आता हूँ एंड यहाँ से जो है मैं जिस सिटी को कॉपी करता हूँ, एंड अगेन जो है मैं बैक आऊंगा, इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड इधर से जो है मेरे को ये ओरिजिन वाले को क्लिक कर देना है, ओरिजिन वाली सिटी को, ठीक है। अगेन बैक आएंगे, देन इधर से जो है हमें स्टेट को कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया। अगेन जो है मैं इधर आ जाऊंगा एंड इसको जो है यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, एंड यहाँ से अगेन जो है मुझे ओरिजिन स्टेट को कॉपी कर पेस्ट कर देना है यानी, ठीक है। देन अगेन मैं इसको कॉपी करूंगा एंड अगेन जो है मैं एक सेकेंड, ये मैं इधर आ गया, जो है मैंने फ्लाइट के सर्च बार में आके पेस्ट कर दिया कोड को, एंड इस कोड पे मैंने क्लिक कर दिया है। देन मैं काउंट को कॉपी करता हूँ, इधर आता हूँ एंड इधर आके जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो यार गाइस थोड़ा लैग हो गया है, ठीक है, मैं इस पे काउंट पे क्लिक कर देता हूँ फ्लाइट वाले। सो ये मेरा काम डन हो गया है। अगेन जो है मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड इधर जो है मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है, ये हमारा काम डन हो गया। देन रन पे हम क्लिक कर देंगे इसको, तो ये ऐसा कुछ आ गया है, ठीक है। एंड अगेन सेटिंग्स पे जाएंगे, देन मर्ज रिजल्ट पे क्लिक कर देना, देन इधर एयरपोर्ट पे क्लिक करना, बैक आना, देन इधर स्टेट को कॉपी करेंगे हम, ये मैंने कॉपी कर लिया, इधर आएंगे एंड इसको जो है पेस्ट कर देंगे, एंड देन इधर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। अगेन जो है हम बैक आएंगे, इधर से जो है सिटी को कॉपी करना, अगेन जो है हमें बैक आना है, इधर स्टेट की जगह पेस्ट करना एंड सिटी को सिलेक्ट कर लेना। सो ये हमारा काम डन हो गया। अगेन बैक आएंगे एंड ये कोड को हम कॉपी कर लेंगे एंड अगेन इधर आके जो है हमें पेस्ट कर देना है एंड इधर कोड को सिलेक्ट कर लेना है। सो ये हमारा काम डन हो गया। अगेन बैक आएंगे एंड अब हमें जो है कंट्रोल टावर मेजर एंड ज्वाइंट यूज को लाना है, ठीक है। कैसे लाएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो हम जो है इधर जाएंगे, इधर जाने एक सेकेंड गाइस, देन इसको जो है हम क्रॉस पे क्लिक कर देंगे, देन इधर आपको दिख रहा है ये कंट्रोल टावर इज मेजर एंड ज्वाइन, तो ऐसा कुछ चाहे तो स्टिल लॉग इन फॉर 30 मिनट्स पे क्लिक कर देना। देन आपको कंट्रोल प्रेस करके फिल्टर के आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन कंट्रोल प्रेस करके इस पे, एंड आपको कंट्रोल रिलीज नहीं करना है एंड इस पे क्लिक करना है, ठीक है। देख के जैसा मैंने करा वैसा करना गाइस। अगेन हम बैक आ जाएंगे एंड लिमिट जो है हमें 10 रखनी हो हम, देन इधर लिमिट की जगह पे हम मैं 10 लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने 10 लिख दिया है। सो ये हमारा काम डन हो गया है। देन रन पे हमें क्लिक कर देना है, देन विजुअलाइजेशन पे आएंगे हम। सो देखो ऐसा कुछ आपका भी आना चाहिए आउटपुट, ठीक है। देन हम सेव पे क्लिक करेंगे एंड ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा। देन इधर रन पे आपको क्लिक कर देना है, देन इधर विजुअलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, देन इधर आपको जो है ये बार को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो ऐसा कुछ अगर आपका दिख रहा है तो बिल्कुल आपका सही है, आपको बिल्कुल भी डरने वाली टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। देन आपको जो है इस पूरे को कॉपी करना है यहाँ तक, फुल स्टॉप कॉपी मत करना, एरर आ जाएगी, ठीक है। सो ये जो है मैंने कॉपी कर लिया, देन जो है हम इधर आ जाएंगे एंड इधर सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। सो ये जो है मैंने सेटिंग पे क्लिक कर दिया ऊपर वाले कॉर्नर पे, एंड देन इधर सेव एज अ डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो है सेव एज अ डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया, देन इस टाइटल की जगह पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। देन आपको जो है बैक आना है, देन इसको आपको कॉपी करना है। तो ये जो है मैंने कॉपी कर लिया गाइस, ठीक है। अगेन हम इधर आएंगे, न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। गाइस थोड़ा सा लैगिंग हो रही है लैब में, ठीक है, तो आपको वो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। देन सेव टू डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सो ये हमारा काम डन हो गया है। अगेन बैक आएंगे, अगेन बैक आके चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे तो टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। सो ये जो है मैंने टास्क कंप्लीट करने के लिए चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करा एंड ये देखो ग्रीन टिक मिल गया है। अब हमें क्या करना है, टास्क 3 के अंदर सेव करना है हमारे डैशबोर्ड को, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इधर आके लॉकर पे क्लिक करना है, मैंने लॉकर पे क्लिक कर दिया। देन इधर आपको फोल्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये मैंने फोल्डर पे क्लिक कर दिया है। देन इधर आपको माई फोल्डर पे क्लिक करना है। सो ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा। देन ये मैं एक राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करूंगा, देन इसको भी मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लूंगा, देन अगेन इसको भी हमें राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करना है, देन इसको भी हमें राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो हमने चारों को ओपन कर लिया है। देन सबसे पहली विंडो के अंदर जाएंगे हम, ठीक है। इधर आने के बाद आपको जो है ऐड टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है।
एंड इधर आपको क्या पेस्ट करना है, तो इधर पहले शेयर पे क्लिक करेंगे हम एंड देन इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, एंड देन सेव टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा काम डन हो गया है। अगेन हम सेकेंड वाले पे आएंगे, एड टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, अगेन शेयर्ड को सिलेक्ट करना है, देन अगेन इसको क्लिक करेंगे जो हमने क्रिएट करा था, देन सेव पे क्लिक कर देंगे। एंड अगेन थर्ड वाले पे चलते हैं, अगेन एड टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, अगेन जो है हम इधर आ जाएंगे शेयर्ड पे, एंड इधर से हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन सेव टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। सो ये हमारा काम डन हो गया। अगेन जो है हम इधर आ जाएंगे थर्ड फोर्थ वाले लॉकर पे एंड इसको क्लिक करेंगे एड टू डैशबोर्ड पे, शेयर्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन इस पे क्लिक करेंगे एंड देन सेव टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। सो ये हमारा काम डन हो गया। अगेन इधर आएंगे चेकआउट उस पर क्लिक करेंगे, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। सो आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।